गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। कॉर्न चीज बॉल्स बना रहा हूँ, साथ ही मैं और एक रेसिपी बना रहा हूँ, कॉर्न चीज बॉल्स मसाला। ऐसा कुछ सुना है आपने पहले? एक्चुअली बारिश के मौसम में कॉर्न की बहुत सारी रेसिपीज मेरे घर पे बनती है। कॉर्न चीज बॉल्स तो खाने में बहुत मज़ा आता ही है, और जैसे मलाई कोफ्ता वगैरह बनता है, कोफ्ते वाली जो ग्रेवी वाली आइटम बनती है, वैसे कॉर्न चीज़ बॉल्स को एक मुगलई स्टाइल या एक कोई रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी में भी डालकर खाने का कुछ मज़ा ही कुछ और होता है, तंदूरी रोटी या नान के साथ। तो वही कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में दो रेसिपी सीख जाओगे, एक कॉर्न चीज़ बॉल्स की और एक कॉर्न चीज़ बॉल्स मसाला YFL स्टाइल रेसिपी। तो सबसे पहले कॉर्न चीज़ बॉल्स कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं। एक बोल के अंदर 250 ग्राम्स प्रोसेस्ड चीज़ ग्रेटेड, 3 मीडियम साइज़ के बॉईल किए हुए आलू, 100 ग्राम ग्रेट किया हुआ पनीर, 1 कप स्वीट कॉर्न, टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर, 2 से 3 चॉप की हुई हरी मिर्च और 1 इंच चॉप किया हुआ अदरक। ये सारी चीज़ों को एक स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एक बार अच्छे से मिक्स हो जाए तब साफ हाथों से इसे आपको अच्छे से मिक्सचर को कंबाइन करना है, जब तक कि ये एक साथ नहीं आ जाए। तो अच्छे से सारी चीज़ों को कंबाइन कर लीजिए। अब आप देख सकते हो सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से कंबाइन हो चुके हैं। अब चीज़ बॉल को शेप करने के लिए एक स्पूनफुल बैटर हाथ में ले लीजिए और इस तरीके से अपने हाथों से एक मीडियम साइज का राउंडल तैयार कर लीजिए। इसी तरीके से सारे चीज़ बॉल्स को आपको शेप कर लेना है। अब चीज़ बॉल्स को कोट करने के लिए एक स्लरी बनानी है, आधा कप मैदा, आधा कप कॉर्नफ्लावर, टेस्ट के हिसाब से नमक। अब धीरे धीरे इसमें पानी डालकर एक सेमी थिक स्लरी बना लीजिए। आप देख सकते हो मैंने एक सेमी थिक स्लरी बना ली है। अब कॉर्न चीज़ बॉल्स को कोट करने के लिए मैं एक बोल के अंदर पैन को ब्रेड क्रम्स ले रहा हूँ, साथ ही मैं उसमें एक चुटकी भर नमक और एक चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर डालकर मिक्स कर रहा हूँ। अब चीज़ बॉल्स को कोट करने के लिए पहले स्लरी में डिप कर लीजिए। स्लरी में डिप करने के बाद एक फोक से उठाकर एक्सेस स्लरी को ड्रिप ऑफ होने दीजिए। अब इसे इमिजिएटली ब्रेड क्रम्स में डाल दीजिए और ब्रेड क्रम्स से अच्छे से कोट कर लीजिए। एक बार ये कोट हो जाए फिर एक्सेस ब्रेड क्रम्स को निकाल लीजिए। एक बार कोट होने के बाद इसे हमें डबल कोट करना है, तो डबल कोट करने के लिए फिर से स्लरी में ऐड कीजिए। स्लरी में ऐड करने के बाद इसे फिर से ब्रेड क्रम से कोट कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि मैंने कॉर्न चीज़ बॉल्स को क्रम कर लिया है। इसी तरीके से सारे कॉर्न चीज़ बॉल्स रेडी कर लीजिए। तो कॉर्न चीज़ बॉल्स अब रेडी हो गए हैं फ्राई करने के लिए। आप इन्हें इमिजिएटली अगर फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो एक डब्बे में डालकर इन्हें फ्रीज़र में रख सकते हैं। फ्रीज़र में 2-3 महीने तक आराम से टिक जाते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। जब भी आपका मन करे बाहर निकाला, इसे डायरेक्टली आपको फ्राई कर देना है, थॉ करने की ज़रूरत नहीं है। एकदम परफेक्ट चीज़ बॉल्स आपके हमेशा बन जाएंगे। अब मैं तो अभी इन्हें इमिजिएटली फ्राई कर रहा हूँ। तो फ्राई करने के लिए आपको तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है। तेल आपका लगभग 170 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए, मॉडरेटली हॉट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं होना चाहिए। चीज़ बॉल्स को केयरफुली गर्म तेल में ऐड कर दीजिए और गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक फ्राई कर लीजिए। आप देख सकते हैं चीज़ बॉल्स एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, एकदम क्रिस्प हो चुके हैं। इस स्टेज पर इन्हें तेल से निकाल कर एक स्ट्रेनर के अंदर ऐड कर दीजिए और एक्सेस ऑयल को ड्रिप ऑफ होने दीजिए। आपके कॉर्न चीज़ बॉल्स रेडी हो गए हैं। तो कॉर्न चीज़ बॉल्स हमारे रेडी हो गए हैं। इसे आप मेयो के साथ, केचप के साथ या थोड़ी अलग अलग किस्म की डिप्स के साथ सर्व कर सकते हैं। बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं तो हरी मिर्च जो है वो आप अवॉइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कॉर्न चीज़ बॉल्स की रेसिपी तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब एक बहुत ही सिंपल तरीके की ग्रेवी बनाने वाला हूँ। रेस्टोरेंट्स में एक येलो अनियन ग्रेवी बनती है, एक बेस बनता है और उसके अंदर फिर मसाले वगैरह डाल के अलग अलग ग्रेवीज बनाई जाती हैं। वो ग्रेवी कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए 5 से 6 मीडियम साइज़ के प्याज ले लीजिए, 3 से 4 लहसुन की कलियाँ, 1/2 इंच अदरक, 1 से 2 हरी मिर्च, 10 से 12 काजू, 1 तेज़पत्ता, 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची, टेस्ट के हिसाब से नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दीजिए। पानी ऐड करने के बाद आप इस बर्तन को कवर कर दीजिए और मीडियम फ्लेम पर आपको 15 मिनट तक इसे पकाना है। 15 मिनट हो जाए उसके बाद ढक्कन को खोल दीजिए। आप देख सकते हो कि प्याज अच्छी तरीके से पक चुके हैं। इस स्टेज पर गैस को बंद कर दीजिए और तेज पत्ता और मोटी इलायची को निकाल कर डिस्कार्ड कर दीजिए। अब इस मिक्सचर को आपको अच्छे से ठंडा कर लेना है पीसने से पहले। एक बार मिक्सचर ठंडा हो जाए तब इसे एक मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफ़र करके इसे फाइन पेस्ट में पीस लीजिए।
आप देख सकते हो मैंने ग्रेवी को एकदम फाइन पेस्ट में पीस लिया है और हमारी येलो अनियन की ग्रेवी का जो बेस है वो रेडी हो गया। अब फाइनल ग्रेवी बनाने के लिए एक पैन के अंदर 1 से 2 टेबलस्पून घी ऐड कीजिए, साथ ही में 1 इंच दालचीनी, 2 से 3 हरी इलायची, 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन और 1 इंच अदरक के लच्छे। अब इन्हें स्टर करके बस 1 से 2 मिनट के लिए पका लीजिए। अब फ्लेम को लो करके इसमें मसाले ऐड करने हैं। 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर। ये सारे मसाले डालकर स्लाइटली स्टर कर लीजिए। उसके बाद इसके अंदर जो येलो ग्रेवी हमने बनाई है वो ऐड कर दीजिए। ग्रेवी को ऐड करने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए और आपको इस ग्रेवी को अब 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेना है। अभी 10 मिनट के लिए मैंने ग्रेवी को कुक कर लिया है। अब एक सेपरेट बोल में 1/2 कप दही ले लीजिए और इसको अच्छे से फेंट लीजिए। फेंट कर दही को ग्रेवी में मिला लीजिए। दही को ग्रेवी में मिलाने के बाद अगर इसका कलर आपको थोड़ा सा अगर उठाना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास 2 से 3 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च की पेस्ट है, मैं वो ऐड कर रहा हूँ। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, बस कलर के लिए ऐड कर रहा हूँ। पेस्ट ऐड करने के बाद बस 2 से 3 मिनट तक आपको ग्रेवी को पका लेना है। एक बार आपने ग्रेवी को पका लिया उसके बाद इसको टेस्ट कर लीजिए और अपने हिसाब से नमक को एडजस्ट कर लीजिए। नमक के साथ ही इसमें 1 चुटकी शक्कर, 3 से 4 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम, 1 चुटकी भर भुनी हुई कसूरी मेथी, 1 चुटकी गरम मसाला और थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ धनिया इसमें ऐड कर दीजिए। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए और ये हमारी ग्रेवी जो है वो रेडी हो गई है। तो हमारी ग्रेवी रेडी हो गई है। ये ग्रेवी बहुत ही टेस्टी लगती है। अब इस ग्रेवी के अंदर आप पनीर डाल सकते हो, मिक्स्ड वेजिटेबल्स डाल सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें डाल सकते हो। आज तो हमने कॉर्न चीज़ बॉल्स बनाए हैं, तो हम कॉर्न चीज़ बॉल्स मसाला बनाने वाले हैं। कॉर्न चीज़ बॉल्स को इस ग्रेवी में डालने के बाद आपको कुक करने की ज़रूरत नहीं है। एक बोल या एक प्लेट के अंदर थोड़ी सी ग्रेवी डालिए, ऊपर से चीज़ बॉल्स डालिए, उसके ऊपर थोड़ी सी और ग्रेवी डालिए, उसको गार्निश कीजिए और फिर आप सर्व कर सकते हैं। तो प्लेट कर लेते हैं हमारे कॉर्न चीज़ बॉल्स मसाला बाय फिल स्टाइल। हमारी दोनों ही रेसिपीज़ आज बहुत ही ब्यूटीफुल बनी है, कॉर्न चीज़ बॉल्स और कॉर्न चीज़ बॉल्स मसाला। दोनों में से जो भी रेसिपी आपको पसंद आती है या दोनों ही रेसिपीज़ आपको पसंद आती है तो ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट्स में बताइए आपको ये रेसिपी कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।